मेहुल और कॉलोनी के सारे बच्चे डीजे पे डांस कर रहे थे और एक दूसरे को गुलाल लगा रहे थे। तभी वहां पर एक अंकल जी आते हैं। लगता है अंकल जी यहाँ अभी अभी आ रहे हैं। चलो बच्चों, अंकल जी को गुलाल लगाते हैं। सारे बच्चे एक एक करके अंकल जी को गुलाल लगाने लगते हैं। पहला बच्चा अंकल जी के ऊपर ब्लू कलर का गुलाल लगाता है, दूसरा बच्चा ब्राउन कलर का गुलाल लगाता है और तीसरा बच्चा बीच कलर का गुलाल लगाता है। अब मेहुल की बारी थी। इस वक्त मेहुल के पास चार तरह के गुलाल रखे हुए थे, ग्रीन, पिंक, ब्लैक और रेड। सारे बच्चों ने एक पैटर्न में अंकल जी को गुलाल लगाया था। तो लॉजिकल आर्मी सोचिए और मुझे बताइए मेहुल अगला कौन सा कलर चुनेगा। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ध्यान से देखिए, सारे बच्चों ने अंकल जी को वही गुलाल लगाया जिसका नाम बी से शुरू होता है, ब्लू, ब्राउन और बी। इसलिए मेहुल अंकल जी को ब्लैक कलर का गुलाल लगाएगा। मेहुल अपने हाथों में ब्लैक कलर का गुलाल लेता है और अंकल जी के गालों पे लगा देता है। इसके बाद मेहुल मिठाई का एक पैकेट अंकल जी को देता है और दोबारा बच्चों के साथ डीजे पे डांस करने लगता है। तभी मेहुल के पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि गौतम नगर कॉलोनी में रंग महोत्सव चल रहा था और तभी वहां एक घर में लाखों रुपए की ज्वेलरी की चोरी हो गई है। मेहुल तुरंत अपनी कार में वहां से निकल जाता है और गौतम नगर पहुंच जाता है। वहां शर्मा जी के घर में चोरी हुई थी। बताइए शर्मा जी, आपके घर में चोरी कैसे हुई? तब शर्मा जी बताते हैं कि सब लोग घर के बाहर होली मना रहे थे और घर के अंदर भी बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। पूरे घर में होली का माहौल था। जैसे ही वो अंदर आए तो देखा कि अलमारी खुली हुई है और सारा सामान चोरी हो गया है। जरूर घर का कोई आदमी चोरों के साथ मिला हुआ है। उस समय शर्मा जी के घर में तीन नौकर मौजूद थे। मेहुल तीनों नौकरों से पूछताछ करता है। पहला नौकर कहता है, सर मैं तो किचन में रसगुल्ले लेने गया था, भाभी जी ने मेहमानों के लिए रसगुल्ले लाने कहा था। दूसरा नौकर कहता है, सर सभी होली मना रहे थे और मैं डांस कर रहा था और वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहा था, ये देखिए पूरी रिकॉर्डिंग्स। तीसरा नौकर कहता है, सर इन लोगों ने मेरे ऊपर रंग डाल दिया था, मुझे रंगों से एलर्जी है, इसलिए मैं तो बाथरूम में नहाने चला गया था। तीनों की बातें सुनकर मेहुल तुरंत समझ जाता है कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है? तीसरा नौकर झूठ बोल रहा है, क्योंकि जब वो बाथरूम में नहाने चला गया था तो फिर अभी भी उसकी बॉडी पर और बालों में रंग क्यों लगा हुआ है? इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, वो बाथरूम में नहाने गया ही नहीं था। मेहुल उसे पकड़ लेता है और उसे पूछताछ करता है। तो वो नौकर बताता है कि तीन अनजान लोग हमारे घर पे होली मनाने आए थे और घर के अंदर बाथरूम में कुछ प्लानिंग कर रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि शर्मा जी के दूर के रिश्तेदार है। वो लोग दिखने में कैसे थे? और तुमने उनका चेहरा तो जरूर देखा होगा। नहीं सर, उन लोगों ने चेहरे पे कलर लगा रखा था और कोई ठीक से पहचान नहीं आ रहा था, मैं बहुत डर गया, उस चक्कर में झूठ बोल दिया। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब चोर कलर लगा के चोरी करके चले गए। तभी मेहुल के पास एक और कॉल आता है और उसे पता चलता है कि जेके कॉलोनी के पास एक घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई है। मेहुल तुरंत अपनी कार से जेके कॉलोनी पहुंच जाता है। वहां बहुत सारा रंग गुलाल नीचे डला हुआ था और डीजे भी रखा हुआ था, लेकिन कोई भी आदमी डांस नहीं कर रहा था, ना किसी ने होली खेली थी। लगता है चोरी होने के बाद सभी लोग का मूड खराब हो गया। मेहुल गाड़ी से नीचे उतरता है और घर के अंदर जाता है। वहां काफी लोग थे। मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ, मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आखिर चोरी कैसे हुई। तभी उस घर की मालकिन ममता जी बताती है कि घर में धूमधाम से होली मनाई जा रही थी, सब लोग डीजे पे डांस कर रहे थे और मिठाई खा रहे थे, तभी मेरे कमरे से 2 लाख रुपए चोरी हो गए। मेहुल रूम में जाके चोरी वाली अलमारी को देखता है तो देख के शॉक हो जाता है। क्यों लॉजिकल आर्मी, मेहुल अलमारी को देख के शॉक क्यों हो जाता है? सोचिए सोचिए। पहले तो अलमारी में देखिए चाबी लगी हुई है, दूसरा अलमारी में कपड़े और बाकी सामान एकदम जगह पर है। अब जब चोर ने पैसे ढूंढे होंगे तो सामान तो बिगड़ा होना चाहिए था। मेहुल की के फिंगरप्रिंट चेक करता है, लेकिन उसमें मेहुल को बस मालकिन के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। तो मालकिन कहती है, ओ नो, अलमारी वैसे ही मैं छोड़ के चले गई थी। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आपके घर में सीसीटीवी कैमरा तो लगा हुआ होगा, मुझे सारे फुटेजेस देखने हैं। इसके बाद मेहुल ममता जी के घर के अंदर जाता है और सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है। फुटेज में मेहुल को 3 लोग दिखाई देते हैं जो घर के अंदर जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वो तीनों लोग मौका पाते से ममता जी के कमरे में जाते हैं और 2 मिनट बाद बाहर निकल जाते हैं। उनके हाथ में एक न्यूज़पेपर भी होता है जिसके अंदर उन्होंने कुछ छुपाया हुआ था। ये तीनों आदमी होली वाले चोर है, इन तीनों लोगों ने गौतम नगर में भी चोरी की है। लॉजिकल आर्मी, मेहुल ने इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कहा?
कि ये तीनों आदमी ही चोर है, जबकि किसी को नहीं पता न्यूज़पेपर के अंदर क्या था। सोचिए सोचिए। यहाँ किसी ने भी रंग नहीं खेला है। मालकिन, नौकर और रिश्तेदार सभी को देखिए कलर नहीं लगा हुआ है, और ये तीनों तो कलर में है, मतलब ये बाहर से यहाँ आए हुए हैं। ये वही तीन लोग हैं। मुझे कैसे भी करके इन होली वाले चोरों को पकड़ना होगा। लेकिन इससे पहले कि मेहुल कुछ प्लान कर पाता, मेहुल के पास अयोध्या नगर से एक कॉल आ जाता है और उसे पता चलता है कि अयोध्या नगर में भी होली खेलते समय एक चोरी हो गई है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। होली वाले चोर गोली की रफ्तार से चोरी कर रहे हैं। मुझे दिमाग से काम लेना होगा, वरना इन चोरों को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेहुल तुरंत अयोध्या नगर पहुंच जाता है। वहां पर राजेश के घर में चोरी हुई थी। राजेश अंकल, मुझे सच सच बताओ, चोरी कैसे हुई? अंकल जी बताते हैं, हमारे घर में तीन लोग आए थे जिन्होंने अपने चेहरे पर कलर लगा रखा था, और उन्होंने मुझसे कहा कि वो प्रिंस के दोस्त है। अब मेरा बेटा प्रिंस कॉलेज में पढ़ता है, इसलिए मुझे लगा कि वो लोग प्रिंस के कॉलेज के दोस्त होंगे, तो मैंने उन्हें घर के अंदर भेज दिया और बाहर होली मनाने में व्यस्त हो गया, और वो लोग मौका पाकर चोरी करके भाग गए। ये चोर तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, चोरी करने वाले के घर का पूरा बायोडाटा है इनके पास। इसके बाद मेहुल तुरंत अपनी कार में जाता है और अपना लैपटॉप निकालकर एक नक्शा तैयार करता है। सबसे पहले इन लोगों ने गौतम नगर में चोरी की, उसके बाद जेके कॉलोनी और फिर अयोध्या नगर। मेहुल थोड़ी देर वो नक्शा बनाता है और समझ जाता है कि अगली चोरी कहाँ होने वाली है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन एरियाज को देख के बता सकते हैं अगली चोरी कहाँ पे होने वाली है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। नक्शे को ध्यान से देखिए। गौतम नगर के सबसे पास जेपी कॉलोनी था, और जेपी कॉलोनी के सबसे पास अयोध्या नगर था। मतलब चोर उस कॉलोनी के पास में जो कॉलोनी है वहां चोरी कर रहे थे। अब अयोध्या नगर के सबसे पास गांधीनगर कॉलोनी है, मतलब वो गांधीनगर कॉलोनी में चोरी करने वाले हैं। और गांधीनगर कॉलोनी से शहर के बाहर जाने का एक रास्ता भी है, तो हो सकता है उन्होंने भागने की भी तैयारी की हो। मुझे जल्दी से जल्दी गांधीनगर कॉलोनी में पहुंचना होगा। मेहुल तुरंत पूरी स्पीड में अपनी कार चलाता है और गांधीनगर कॉलोनी पहुंच जाता है। गांधीनगर कॉलोनी में सेठ जी के घर के बाहर धूमधाम मची हुई थी। सभी लोग मिठाई खा रहे थे और होली खेल रहे थे। बच्चे पिचकारी में रंग भर के सबके ऊपर डाल रहे थे। वो तीनों चोर सेठ जी के घर पे चोरी करने जरूर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ है। मेहुल अपनी गाड़ी एक पेड़ के नीचे खड़ी कर देता है और अपने चेहरे पे भी रंग लगा लेता है, ताकि उसे कोई पहचान ना सके। इसके बाद मेहुल सेठ जी के घर के अंदर चले जाता है और थाली में से गुलाल उठाकर डांस करने लगता है। थोड़ी देर बाद मेहुल को सेठ जी के घर के अंदर चार लोग जाते हुए दिखाई देते हैं। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि इनमें से कोई एक चोर है। लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि वो चारों में से कोई एक चोर है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। वैसे तो इन चारों लोगों के चेहरे पे कलर लगा हुआ है, लेकिन तीसरे वाले आदमी को ध्यान से देखिए। उसके बालों और कपड़ों में येलो कलर का गुलाल लगा हुआ है, लेकिन सेठ जी के घर पे जो होली खेल रहे हैं, किसी ने येलो कलर का रंग तो लगाया ही नहीं है। इसका मतलब ये आदमी अभी अभी बाहर से आया है और उसने अपने चेहरे पे कलर लगा रखा है, ताकि इसे कोई पहचान ना सके। जरूर यही चोर होगा। मेहुल चोरी छुपे उसका पीछा करता है। थोड़ी देर बाद उसके दोनों साथी भी घर के अंदर आ जाते हैं और सेठ जी के बेडरूम में चले जाते हैं। इसके बाद मेहुल पांच और लोगों को धीरे से इसकी इन्फॉर्मेशन दे देता है, और वो लोग मिलकर ऑन द स्पॉट तीनों चोर को पकड़ लेते हैं। तीनों चोर से पूछताछ करके पुराने चोरी का माल भी उनसे निकलवा लिया जाता है और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स।